थी सुषमा स्वराज। धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदया, बजट सत्र में हमें तीन प्रमुख दस्तावेज प्राप्त होते हैं। पहला, संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया अभिभाषण। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण। और तीसरा, वित्त मंत्री का बजट भाषण और उसके साथ बजट से संबंधित अन्य कागजात। महोदया, राष्ट्रपति अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सरकार की भावी दिशा का दर्शन कराता है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से परिचय कराता हुआ भावी कार्यक्रमों को तय करता है। और बजट सरकार के संकल्पों और घोषणाओं के लिए राशियों का प्रावधान करता है। इसलिए यदि सरकार की नीति और नियत दोनों को एक साथ जानना हो तो इन तीनों दस्तावेजों को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। मैंने गृह मंत्रालय के संबंध में इन तीनों दस्तावेजों को एक साथ पढ़ा और उसमें जो विसंगतियां नजर आई हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से वो सदन के सामने रखना चाहती हूं। महोदया, ये राष्ट्रपति अभिभाषण की प्रति मेरे सामने है। मुझे बहुत खुशी हुई जिस समय राष्ट्रपति महोदया वहां अभिभाषण पढ़ रही थी तो अपने सरकार की 10 प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता माना। मैं पढ़कर बताती हूं। राष्ट्रपति महोदया ने कहा, देयर वुड बी 10 ब्रॉड एरियाज ऑफ प्रायोरिटी फॉर माय गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नंबर 1, इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। बहुत अच्छा लगा। और वो इतना कहकर चुप नहीं कर गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में क्या उपाय करे जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, उनका विस्तृत विवरण भी उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया। मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं, उन्होंने पहले उसमें यह कहा, स्टर्न मेजर्स टू हैंडल इंसर्जेंसी एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी टेकन। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, द मल्टी एजेंसी सेंटर विल बी स्ट्रेंथन्ड टू इंश्योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स विल बी एक्टिवेटेड इन ऑल स्टेट्स। थर्ड, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज बिकम ऑपरेशनल एंड विल बी एम्पावर्ड टू हैंडल टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस। नंबर 4, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज विल बी एक्सटेंडेड एंड फुल्ली इक्विप्ड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी। नंबर 5, अ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड टू टेक प्रोएक्टिव एंटी टेररिज्म मेजर्स। नेक्स्ट, स्पेशल फोर्सेज एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम्स विल बी रेज्ड एंड डिप्लॉयड इन वल्नरेबल एरियाज। नेक्स्ट, एनहांस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग on a real time basis would be made possible by the creation of a net centric information command structure. And then she said, my government will actively pursue police reforms and in order to ensure the active participation of the citizenry in internal security, community policing will be promoted. Itna acha laga ki sarkar itni drid sankalpit ho gayi, itne upayon ka vistrit byora rashtrapati abhibhashan mein diya gaya कि हम देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाएंगे। गृह मंत्री जी, इसके बाद मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा, वो केवल पुलिस सुधारों की बात करके चुप हो गया। मुझे लगा कोई बात नहीं, अभी बजट आएगा तब देखूंगी। उसके बाद बजट आया, ये मेरे पास वित्त मंत्री का भाषण। महोदया, मुझे लगा कि अगर जिस सरकार की पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्वाभाविक है वित्त मंत्री उसी राष्ट्रीय सुरक्षा से अपना भाषण शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम गृह मंत्री जी आपको कैसा लगा, आप स्वयं भी वित्त मंत्री रहे हैं। जब मैंने इस भाषण को पढ़ना शुरू किया महोदया, मैं पन्ना दर पन्ना पलटती गई, पन्ना दर पन्ना पलटती गई। सारी चीजें आ गई, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बैकअप, सारी चीजें। 65वें पैराग्राफ में मुझे एक
हेडिंग दिखाई दिया नेशनल सिक्योरिटी इन पैरा 65, जो राष्ट्रपति अभिभाषण पहले पैराग्राफ में, बधाइयों के बाद पहले पैराग्राफ में 10 प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को मानता है, उस सरकार के वित्त मंत्री पैरा 65 में जाकर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और तीन बातें कहकर चुप हो जाते हैं। तीन पैराग्राफ है, 65, 66, 67, एक में पुलिस सुधार, एक में पुलिस आवास और एक में बॉर्डर मैनेजमेंट। ये तीन बातें कहकर वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हो गया। मुझे लगा कि वित्त मंत्री का भाषण बड़ा हो जाता है क्योंकि हर मंत्रालय का एक एक पैराग्राफ डालना होता है, इसलिए हो सकता है समय की, स्थान की कंस्ट्रेंट रही होगी, विवशता रही होगी, जिस कारण उन्होंने केवल इतना ही बोला, चलिए डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स देखूंगी, क्योंकि उसमें एक एक चीज का पैसा बटता है। महोदया, मैं इंतजार करती रही डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का और वो ग्रांट्स आई, काफी दिन के बाद आई, अभी लगभग 3 या 4 दिन पहले ये ग्रांट्स मुझे मिली। मैंने इन ग्रांट्स को पढ़ना शुरू किया। जैसा अभी आपने कहा, गृह मंत्रालय की 10 मांगे होती हैं, मांग नंबर 51 से 55 और मांग नंबर 95 से 99। जहां तक मांग संख्या 95 से 99 का संबंध है, वो उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में है जहां विधानसभाएं नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। जहां तक 51 से 55 का सवाल है, 55 मांग संख्या उन संघ क्षेत्रों के बारे में है, उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में है जहां विधानसभा भी है, सरकार भी है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। बचते हैं मांग संख्या 51 से 54, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है और काफी चीजें। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मांगे थी, महोदया, मैंने एक एक पन्ने का एक एक शब्द पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आवंटन राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में इन मदों पर जो राष्ट्रपति अभिभाषण में बोली गई है, उनमें आवंटन क्या हुआ है। गृह मंत्री जी, मैं एक एक वही शब्द पढ़ रही हूं जो राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा है और आगे आवंटन बता रही हूं। पहली बात कही गई थी, मेजर्स टू हैंडल टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी टेकन। आवंटन देखिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, मद है, मांग संख्या 53, पैरा 31.03। गृह मंत्री जी, मद है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, आवंटन है 100 करोड़ रुपया और पिछली बार का आवंटन था 100 करोड़ रुपया, यानी एक नए पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं। दूसरी मद है जो उन्होंने कहा था, असिस्टेंस टू काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल्स, आवंटन है 10.5 करोड़ रुपया, पिछली बार का आवंटन था 12 करोड़ रुपया, यानी 12.5% की कटौती। अगली बात जो कही थी राष्ट्रपति जी ने, द मल्टी एजेंसी सेंटर विल बी स्ट्रेंथन्ड टू इंश्योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब्सिडरी मल्टी सेंटर मल्टी एजेंसी सेंटर्स विल बी एक्टिवेटेड इन ऑल स्टेट्स। गृह मंत्री जी, एक नए पैसे का आवंटन नहीं है इस मद के नीचे। उसके आगे तीसरी बात कही थी राष्ट्रपति जी ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज बिकम ऑपरेशनल एंड विल बी एम्पावर्ड टू हैंडल टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस, मांग संख्या 51, आवंटन है 15 करोड़ रुपया, मात्र 15 करोड़ रुपया। उसके आगे कहा था राष्ट्रपति जी ने, अ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड टू टेक प्रोएक्टिव एंड टेररिज्म मेजर्स। महोदया, एक नए पैसे का आवंटन नहीं, एंट्री ही नहीं है, एंट्री ही नहीं है, अनुदान मांगो। उसके बाद कहा था राष्ट्रपति जी ने, स्पेशल फोर्सेज एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम्स विल बी रेज्ड एंड डिप्लॉयड इन वल्नरेबल एरिया, एक पैसे का आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है, पूरी अनुदान मांगो में एंट्री ही नहीं है। आगे कहा था, आप राष्ट्रपति अभिभाषण भी पढ़ रहे हैं? पढ़ दिया। नहीं, ये भी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं बजट में और राष्ट्रपति अभिभाषण? नहीं, मैं राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ। आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण से पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताया, उसका एक एक बिंदु, उसके आगे का आवंटन पढ़ रही हूँ। पहले जो राष्ट्रपति अभिभाषण से सब पढ़ दिया, एक एक चीज पढ़ दी, अब जो एक एक मद राष्ट्रपति जी ने 10 कही थी वो पढ़ रही हूं और उसका आवंटन बता रही हूं।
उसके बाद कहा राष्ट्रपति जी ने क्रिएशन ऑफ ए नेक्स्ट सेंट्रिक इंफॉर्मेशन कमांड स्ट्रक्चर विल बी एस्टैब्लिश्ड। महोदय एक पैसे का भी आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है। और फिर कहा राष्ट्रपति जी ने कम्युनिटी पुलिसिंग विल बी प्रमोटेड, एक पैसे का आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है। हाँ पुलिस रिफॉर्म्स में जरूर 1372 करोड़ का आवंटन है। वो 10 चीजें जो बताई राष्ट्रपति अभिभाषण में पढ़कर सुनाई और जिससे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार चिंतित ही नहीं संकल्पित है, उसके आवंटन मैंने डिमांड फॉर ग्रांट्स में से पढ़कर बताए हैं कि 10 में से 7 का तो उल्लेख ही नहीं है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, और जिन 3 का उल्लेख है उसमें 1 पर 100 करोड़ रुपया, जिन 3 पर है उनमें 1 में 100 करोड़ रुपया, जिसमें पहले भी 100 करोड़ ही था, यानी एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। दूसरे मर कटौती 10.5 करोड़ रुपया, पहले 12 था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर मात्र 15 करोड़ रुपया। लेकिन महोदया मैं वित्त मंत्री को क्या कहूं, जिस संकल्प की बात राष्ट्रपति जी ने कही उसकी अवहेलना तो स्वयं प्रधानमंत्री इजिप्ट से करके लौटे। एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो राष्ट्रपति जी ने कहा था। राष्ट्रपति जी ने कहा अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स इट ओरिजिनेट्स विल बी पर्स्यूड। जिस किसी स्रोत से भी आतंकवाद होगा वहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं क्या यही है जीरो टॉलरेंस? अरे 26/11 का वो भयावह दृश्य जिसमें 201 लोग मारे गए, 714 लोग घायल हुए। गृहमंत्री जी अभी तो मुंबई के उन शहीदों की बरसी भी नहीं हुई, अभी तो उन विधवाओं के आंसू भी नहीं सूखे जितने इतने बड़े बड़े आश्वासन आपने दिए थे, और उस देश को आप आलू प्याज चाय बेचने को तैयार हो गए। आपको लगा कि उस देश से समग्र वार्ता करने के लिए आतंकवाद को जोड़ने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश जिम्मेदार है। मैं कोर्ट में पढ़ के सुनाना चाहती हूं, 26/11 के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था ऑन कोर्ट, वी आर सर्टेन दैट द टेरर मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुंबई ब्लास्ट आर इंस्टिगेटेड इंस्पायर्ड एंड सपोर्टेड बाय द एलिमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। ये प्रधानमंत्री का कथन है। इंस्टिगेटेड यानी उकसाया भी उन्होंने, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित भी उन्होंने किया, सपोर्टेड यानी सहायता भी उन्होंने दी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अचानक क्या घट गया? आप 26/11 को भी भूल गए, आप देश के संकल्प को भी भूल गए, आप अपने आश्वासनों को भी भूल गए, और आपने समग्र वार्ता से आतंकवाद को अलग करने की बात कर दी। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान पढ़ा जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सोच तो शुरू से यही थी और हमें जनादेश मिला है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं महोदया, जनादेश इस पर नहीं मिला। अगर आपकी ये सोच थी तो आपने ये सोच चुनाव से पहले प्रदर्शित नहीं की। चुनाव से पहले आप केवल ये बात कहते रहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4 दिन पहले तक विदेश मंत्री ने कहा जब तक पाकिस्तान सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं कर देता हम उससे बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आपसे कि जो आप कर रहे हैं वो जनादेश नहीं है, वो जनादेश के साथ विश्वासघात है, और ये आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का खुलासा है। आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में कहलाया आप आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मिस्र से करके लौटे हैं वो राष्ट्रपति अभिभाषण के कही गई बातों की अवमानना है, अवहेलना है। और मैं केवल इतनी बात क्यों कहूं, केवल मिस्र में वो करके आइए थोड़ी। गृहमंत्री जी आपने निर्णय लिया है आप जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी करेंगे। बोलने दीजिए। 1 मिनट ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, सो इफ द हाउस एग्रीज वील स्किप द लंच आवर। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। महोदया मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी अभिभाषण में कहलवाई लेकिन आप कर क्या रहे हैं?
आपने जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी का निर्णय किया है। और महोदया, हजार दो हजार जवान नहीं, 23 बटालियन जम्मू कश्मीर से हटाई जाएंगी, यह समाचार निकला। 16 बटालियन सीआरपीएफ की, 5 बटालियन बीएसएफ की, 2 बटालियन आईटीबीपी की। और जानकारी तो यह है कि 5 बटालियन सीआरपीएफ की अगस्त के पहले सप्ताह तक बाहर आ जाएंगी। गृहमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में सेना भेजी गई थी, क्या उन परिस्थितियों में सुधार हो गया है? क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं? और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूं, आपने जम्मू कश्मीर के बुमई में यह प्रयोग करके देखा और उसका परिणाम भी आपने भोगा, क्या उस परिणाम के बाद भी आपको समझ में नहीं आई? महोदया, बुमई जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वो सोपोर से 10 किलोमीटर दूर है, वो सोगम पहाड़ के रास्ते कुपवाड़ा से जुड़ता है, दूसरी तरफ बांदीपुरा से जुड़ता है और बांदीपुरा के रास्ते गुरेज से जुड़ता है। एक वातावरण आज सेना के विरोध का बना, आपने बुमई से आर्मी कैंप शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। और वो आर्मी कैंप शिफ्ट नहीं हुआ अकेले, उस आर्मी कैंप के शिफ्ट होने से वहां के आतंकवादियों को आपने उनका आवागमन, उनकी आवाजाही निर्बाध कर दी। कुपवाड़ा एलओसीसी से गुरेज होते हुए बुमई के रास्ते वो सोपोर पहुंच सकते हैं, और बुमई वुल्लर लेक से केवल 5 किलोमीटर दूर है, जहां नेवी को आपने सुरक्षा के लिए लगा रखा है, लेकिन आप भूल गए कि जेलम के रास्ते वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जहां आपकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और आप जानते हैं कि बुम्बई का आर्मी कैंप शिफ्ट होने के बाद सोपोर में आतंकवादी हमला हुआ, और वहां ऐसे 2 आतंकवादी जिन्होंने समर्पण कर दिया था और एक पुलिस अधिकारी मारा गया। अगर एक आर्मी कैंप शिफ्ट होने के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, तो जो बात आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम आपने सोचा है? मैं कहना चाहती हूं गृहमंत्री जी से, चेतावनी के स्वर में कहना चाहती हूं, इस फैसले को बदलिए, और अगर इस फैसले को आप नहीं बदलेंगे तो पछताएंगे। और आज के दिन को याद रख लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, अगर आपने ये फैसला नहीं बदला तो एक दिन भारत को देश के रूप में पछताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी बात नक्सलवाद के बारे में करना चाहती हूं। अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में जवाब देते हुए एक प्रश्न का गृहमंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि नक्सलियों का खतरा आंकने में हमसे गलती हुई, और हमारे इस गलत आकलन के कारण वो अपनी ताकत बढ़ाते रहे। आंकड़े इस गृहमंत्री की स्वीकारोक्ति की पुष्टि करते हैं। महोदया, एमएचए की एक रिपोर्ट 2004-05 में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2004 में देश के 9 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, 9 राज्य और 76 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज एक नया अध्ययन आया है सेंटर फॉर लैंड एंड एयर वॉरफेयर स्टडीज के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि आज देश के 18 राज्य और कम से कम 203 जिले प्रभावित हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये बढ़ोतरी यूं ही नहीं हो गई, ये बढ़ोतरी आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। और वो कौन सी गलत नीतियां थी? पिछली बार सरकार में वामपंथी शामिल थे और उनका समर्थन आपकी विवशता बन गई थी। महोदया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का शब्द नक्सलवाद के लिए प्रयोग किया जाता था सरकारी दस्तावेजों में। सबसे पहले वामपंथियों ने आपसे कहा आप इस शब्द को बदलिए, और पूरे 5 साल यूपीए की सरकार चली, किसी सरकारी कागज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE का शब्द प्रयोग नहीं किया गया। और इसके साथ उन्होंने सोच भी बदलवा दी। आपको कागजों में मिल गया होगा गृहमंत्री जी, जिस समय एनडीए की सरकार आई थी तो हमने ये कहा था कि अकेले राज्यों की कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, सारे नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था
और वहां यह तय किया गया था कि इसके लिए केंद्र से सहायता और निगरानी दोनों की जरूरत है। इसलिए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो हर 3 महीने पर मिलती थी और सीधे केंद्र निगरानी रखता था। जब तक हमारी सरकार रही गृह मंत्री जी, वो सिलसिला निरंतर चलता रहा। हर 3 महीने पर वो कमेटी मिलती रही, लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो पहला काम उस कमेटी को भंग करने का किया। जैसा मैंने कहा कि वामपंथियों ने आपसे वो काम करवाया। आज जब आप आए हैं और वामपंथियों का बंधन आप पर नहीं है, आप LWE शब्द वापस ले आए। इस बार जितने दस्तावेज मिले हैं हमें, सब में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शब्द आ गया, वापस आ गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, केवल शब्द बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच भी बदलनी होगी, और वही सोच वापस लानी होगी जो सोच उस समय थी। और क्योंकि केवल अब नक्सलवाद खतरा नहीं है, अब उसके साथ साथ माओवाद का खतरा भी बढ़ गया है, और वो भस्मासुर इन वामपंथियों ने पैदा किया था, और सबसे पहले इन्हीं को नील रहा है। आपको मालूम है, जिस समय नेपाल में कॉमरेड सीताराम येचुरी बात करने के लिए जा रहे थे नेपाल के माओवादियों से, मैंने सदन में खड़े होकर उन्हें चेताया था, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा था, क्या करूं, भस्मासुर हर युग में पैदा होता है, हर दौर में पैदा होता है, लेकिन वही भस्मासुर सबसे पहले उसी के सिर पर हाथ रखता है जो उसको पैदा करता है। नंदीग्राम में इन्हीं वामपंथियों ने माओवादियों पर आरोप लगाया, आज लालगढ़ में उन्हीं माओवादियों पर आरोप लग रहा है। इसलिए खतरा केवल नक्सलवाद का नहीं है, खतरा माओवाद का भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर क्रिटिकल एरियाज इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज में अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल 150 करोड़ रुपया रखा जाएगा तो कैसे काम होगा। आपने स्वीकार किया कि नक्सलियों ने बड़ी गंभीर चुनौती पैदा कर दी, अखबार की कटिंग से मेरे पास, कि नक्सलियों ने बहुत गंभीर चुनौती पैदा कर दी है, चिदंबरम मान रहे। लेकिन क्या आपकी धनराशि उस गंभीरता को दर्शाती है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप गंभीरता स्वीकार करते हैं, आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बात कहते हैं, लेकिन आप पर्याप्त धनराशि उसके लिए नहीं रखते। महोदया, जब हम एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के बाद, नक्सलवाद के बाद, माओवाद के बाद सीधी निगाह पूर्वोत्तर पर जाती है। वैसे तो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य किसी ना किसी तरह की इंसर्जेंसी से ग्रस्त है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा में है नॉर्थ कचार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, हाफलोंग। जिस तरह की हिंसा वहां हो रही, कल 12 महिलाएं कार्बी अंगलोंग से, हाफलोंग से यहां आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों से मिली थी, वो बाकी दलों की भी महिला सांसदों से मिलना चाहती हैं, 3 दिन यहां है, जरूर मिलेंगी। सबसे पहला दुख जो मुझे उनकी बात सुनकर हुआ महोदया, उन्होंने कहा, मैडम अगर इस तरह की घटना कहीं मेनलैंड में घटी होती, इस तरह की घटना अगर हिंदुस्तान के किसी प्रमुख भाग में घटी होती तो संसद चल नहीं पाती, संसद की कार्यवाही बाधित हो जाती, टीवी और अखबार रंग जाते उन घटनाओं से। लेकिन हम सुदूर पूर्वोत्तर के एक कोने में पड़े हैं, कोई हमारा दुख दर्द सुनने वाला नहीं, एक शब्द अखबार में नहीं निकलता, एक क्लिपिंग टीवी पर नहीं दिखाई जाती, कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती और संसद में हमारा विषय नहीं उठता। आप जानते हैं, उनकी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, रातें उन्हें जंगल में बितानी पड़ रही हैं, महीनों से उनके बच्चे स्कूल नहीं गए, जो रिलीफ कैंप चल रहे हैं वहां 8 किलो चावल के बजाय 5 किलो चावल दिया जाता है। पता नहीं आप कभी हाफलोंग गए हैं या नहीं, लेकिन मेरा नॉर्थ ईस्ट से बहुत करीब का रिश्ता है, मेरे पति मिजोरम में लगभग 3 वर्ष तक राज्यपाल रहे हैं, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा देखा, उनके दुख दर्द से भी मैं वाकिफ हूं। गृह मंत्री जी, हाफलोंग असम का वो हिल स्टेशन है जहां सौंदर्य बिखरा पड़ा है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है हाफलोंग, पूरे नॉर्थ ईस्ट टेरेंस का संगम है हाफलोंग। एक अकेले हाफलोंग में पूरे नॉर्थ ईस्ट के 12 ट्राइब्स रहते हैं, वो नागालैंड के भी पास है, वो मणिपुर के भी पास है, वो असम में तो है ही, वो मेघालय के भी पास है और मिजोरम से भी ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए वहां नगाज भी हैं, कुकीज भी, वहां कर्बीज भी हैं, दिमासा भी, वहां जेमी भी हैं, मार भी, और
बरसों बरस से ये सारे ट्राइब्स बहुत शांति के साथ, आत्मीयता के साथ रह रहे थे, बहुत सौहार्द और सद्भावना के साथ रह रहे थे। मुझे समझ नहीं आता क्या घटा है पिछले 6 महीनों में, क्यों वहां हिंसा हो रही है। हम यहां कह देते हैं कि वह जातीय हिंसा यानी एथनिक क्रैशेज हो रहा है। गृह मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी ये मामला इतना सरल नहीं है कि उसे केवल एथनिक क्लैशेस कह करके हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएं। दो तरह की थीरीज है वहां, आप दोनों पर गंभीरता से सोचिए। एक थीरी है कन्वर्जन की कि वहां धर्मांतरण हुआ है और जिन ट्राइब्स में से धर्मांतरण हुआ है वो धर्मांतरित लोग ये हिंसा करवा रहे हैं, ये एक थीरी है। और दूसरी थीरी और खतरनाक है, और वो थीरी ये है कि इस पूरे इलाके में आसपास यूरेनियम की माइंस है, यूरेनियम की खाने हैं, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जो नहीं चाहती कि भारत यूरेनियम का खनन करके न्यूक्लियर फ्यूल में आत्मनिर्भर हो जाए, वो लोग उस एरिया में हिंसा करवा रहे हैं और वो उस एरिया को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। असम सरकार वहां फेल हो चुकी है, लेकिन एक राज्य सरकार फेल हो जाए तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अगर आपको स्वयं जाना पड़े तो हाफलोंग जाइए, वरना इसका पूरा गहराई से अध्ययन करा करके, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन की एक जगह है लेकिन नो मैंस लैंड बन करके रह गई है, और इसलिए जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को तो तुरंत बंद करवाइए, लेकिन ये लोग जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, इन लोगों के लिए राहत का काम तुरंत करवाइए। महोदया, जम्मू कश्मीर नक्सलवाद, माओवाद और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के बाद आज एक और जगह डिस्टर्ब है। बैठ जाइए आप बोलिए। वो आप कहना, बोली दीजिए, बैठ जाइए। आप बोलिए। महोदया, आप बैठिए। पूर्वोत्तर के बाद जो एरिया डिस्टर्ब है वो है दार्जिलिंग, और गृह मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ दार्जिलिंग का डिस्टर्बेंस का अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दार्जिलिंग में गोरखा लैंड की मांग बहुत दिनों से चल रही है। मैं आज इस सदन में खड़े होकर ये कहना चाहती हूँ गोरखा लैंड बने या न बने इस पर दो मत हो सकते हैं, हर पृथक राज्य के आंदोलन पर दो मत हुए हैं, लेकिन गोरखा लैंड एक पृथकतावादी आंदोलन नहीं है, ये बात आज मैं इस सदन में कहना चाहती हूँ। इट इज नॉट ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये मैं बताती हूँ मैं क्या चाहती हूँ, ये पृथकतावादी आंदोलन नहीं है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। गोरखा लैंड का आंदोलन इसके विपरीत भारत से जुड़ने का आंदोलन है, गोरखाली अस्मिता को भारतीयता से जोड़ने का आंदोलन है। गृह मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ हिंदुस्तान में पृथक राज्यों के बहुत आंदोलन चले, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दो ये आंदोलन चला, बिहार से झारखंड अलग कर दो ये आंदोलन चला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दो ये आंदोलन चला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करो ये आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से विदर्भ अलग करो ये आंदोलन चल रहा है, और भी कई छोटे छोटे राज्यों की बात चल रही है, और 3 राज्य बने भी हैं, उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है। वहां के लोग अपने राज्य का विभाजन नहीं चाहते, ये भी स्वाभाविक है, बैठे लाल यादव बिहार से झारखंड को अलग करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया। मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने भी उत्तराखंड की मांग को माना, चलिए नहीं माना तो भी बन गया, नहीं माना। हम बोलेंगे तब बताएंगे इसका क्या पड़ा। बैठ जाइए। लालू जी ने तो विधानसभा से प्रस्ताव, आप इधर संबोधित करिए, मगर बन गया। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड की मांग को कभी हमने सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो नहीं कहा, झारखंड की मांग को हमने कभी अलगाववादी आंदोलन तो नहीं कहा, छत्तीसगढ़ के आंदोलन को हमने कभी अलगाववादी आंदोलन तो नहीं कहा। मैंने 6th शेड्यूल के एक्ट को देखते हुए करीब 100 आंदोलनकारियों से बात की, और मेरा मन अभिभूत हो गया जब उन्होंने ये कहा, मैडम हमारा तन भारतीय है, हमारा मन भारतीय है, केवल हम अपने माथे पर हिंदुस्तानी लिखवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा
कि हम सेना में भर्ती होते हैं, भारतीय सीमा पर जाकर सेना के लिए, सेना के माध्यम से शहीद होते हैं, लेकिन हमारा चेहरा मोहरा देखकर, हमारा नाक नक्शा देखकर जब कोई हमें मिलता है तो कहता है कि आप नेपाली हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी रहें। मुझे मालूम है बंगाल में बंगाल की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के वामपंथी, यहां तक कि बंगाल की भाजपा इकाई बंगाल विभाजन के विरुद्ध है। यह स्वाभाविक है, कोई अपने यहां से विभाजन नहीं चाहता, लेकिन इस आंदोलन की असलियत आपको पता चल जाए। और मैं चाहूंगी कि अगर गृह मंत्री बातचीत करें, जो मैंने आपको कहा आप दोषी हैं, क्यों कहा, जब सिक्स शेड्यूल का ट्राइपार्टाइट फैसला हुआ था, अगर उस समय आप ये लागू कर देते तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसको, आंदोलन को, वो जो आपका त्रिपक्षीय समझौता हुआ उसको लागू करने में 2 बरस की देरी की, जिससे नेतृत्व की विश्वसनीयता आपने समाप्त कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन चीजों में हिंसक आंदोलन नहीं चलते, ये रास्ते केवल संवाद से निकलते हैं। आप संवाद करिए, और आप संवाद करिए, रास्ता निकलेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। आप बैठ जाइए, केवल सुषमा जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। आप बैठ जाइए ना, हम उन्हें बैठा रहे हैं। आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। आप बैठ जाइए, बोलने दीजिए उनको, आप बैठ जाइए। हाँ, प्लीज सिट डाउन, बैठ, बोलिए। अब मैं सरकार की न्यू यूआईडी स्कीम के बारे में कुछ बात कहना चाहती हूँ। गृहमंत्री जी, आपने कहा है कि आप नया यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, एक नया विशिष्ट पहचान पत्र हिंदुस्तान में जारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको मालूम है अप्रैल 2000 में एनडीए के कार्यकाल में एक जीओएम बना था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा की आमूल चूल समीक्षा का काम दिया गया था, और उसमें चारों प्रमुख मंत्री, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये चारों उसमें शामिल थे। और उस जीओएम ने अपनी बहुत अनुशंसाएं की, उसमें से एक अनुशंसा मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के बारे में थी, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र। मैं उस रिकमेंडेशन को पढ़कर सुनाना चाहती हूं। गृह मंत्री जी, ये रिकमेंडेशन थी उस जीओएम की। इलीगल माइग्रेशन, ये ऑन कोट है, इलीगल माइग्रेशन हैज अस्यूम्ड सीरियस प्रोपोर्शंस, द जीओएम रिकमेंडेड दैट ऑन कोट देयर शुड बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस लिविंग इन इंडिया, ऑल सिटीजंस शुड बी इश्यूड मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड्स एंड नॉन सिटीजंस शुड बी इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिजाइन। This should be introduced initially in the border districts and then extended to the hinterland progressively. ये उनकी अनुशंसा थी, और इस अनुशंसा को सरकार ने जस का तस, पूरे का पूरा मान लिया, पूरे का पूरा। अप्रैल 2000 में वही थे ना, मैं अप्रैल 2000 की बात कर रही हूं, तब होम मिनिस्टर अडवाणी जी ही थे, तो मैं उसकी बात कर रही हूं कि यह अनुशंसा उन्होंने की और इस अनुशंसा को सरकार ने मान लिया। और केवल सरकार ने माना नहीं, इस अनुशंसा को अमली जामा पहनाने के लिए दिसंबर 2003 में जब गृहमंत्री अडवाणी जी थे, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संसद से संशोधन कराया गया, और उस संशोधन में यह कहा गया कि नागरिकता का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए और सबको राष्ट्रीय पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। यह एक्ट का संशोधन भी हो गया, और उसके बाद पायलट बेसिस पर स्कीम शुरू भी हो गई। और जिस समय हमारी सरकार गई उस समय स्कीम टेक ऑफ हुई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपीए ने आने के बाद उस समय उस स्कीम को जारी रखा। और पिछले बार की 2008-09 की
अनुदान मांगों को आप देखिए, 44,36,00,000 रुपया इस एमएनआईसी के लिए पिछले बार के अनुदान मांगों में 2008-09 में वित्त मंत्री ने रखा 44,36,00,000 रुपया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये अचानक से यूआईडी और फिर न्यू यूआईडी की स्कीम कहां से आ गई। आपने पिछली बार यूआईडी की बात की और उसे भी आपने पायलट बेसिस पर शुरू किया, तो मेरे कुछ सवाल है इस बारे में आपसे। पहली बात तो न्यू यूआईडी में नयापन क्या है और विशिष्टता क्या है? ये नया विशिष्ट पहचान पत्र, इसमें नयापन क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या आपने वो एमएनआईसी की स्कीम खत्म कर दी, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की स्कीम खत्म कर दी? क्योंकि इस बार की अनुदान मांगों में मैंने देखा गृह मंत्री जी आपने मात्र 10,00,000 रुपया एमएनआईसी के लिए रखा है, मात्र 10,00,000 रुपया। लेकिन जब मैंने देखा कि ये न्यू यूआईडी स्कीम का भी तो कहीं पैसा होगा, तो अडवाणी जी आप हैरान होंगे, वो गृह मंत्रालय में नहीं मिला मुझे, वो योजना मंत्रालय में जाकर मिला और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आपने 120,00,000 रुपया न्यू यूआईडी के लिए रखा है। तो मैं पूछना चाहती हूं ये क्या घालमेल है और इसका रहस्य क्या है? आपने इसे गृह मंत्रालय से बाहर क्यों कर दिया? ये जो कार्ड बनना था ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बनना था, इसका नाम ही था मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र। फिर बाकी जो 10-15-20 कार्ड होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़नी थी, एक कार्ड सबके पास रहता और वही बहुउद्देश्यों के लिए होता, वही सबको पूरा करता। लेकिन आपने इसे गृह मंत्रालय से निकाला तो इसके कारण ये आशंका पैदा होती है कि अब जो कार्ड आप बनाने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बन रहा है, उसकी दृष्टि कुछ और है, वो किसी और काम के लिए बन रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ क्या इस विशिष्ट पहचान पत्र में भी वोट बैंक की राजनीति सामने आ रही है? आप मुझे बताइए अपना उत्तर देते समय कि एमएनआईसी और न्यू यूआईडी में क्या फर्क है? एमएनआईसी की स्कीम क्या बंद कर दी गई है? एमएनआईसी पर आज तक कितना खर्चा हो चुका, क्या वो सारा पैसा व्यर्थ हो गया है? और न्यू यूआईडी की स्कीम एमएनआईसी को बंद करके शुरू की गई है और एमएनआईसी की विशिष्टता क्या है? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब कोई कार्ड नहीं बनने वाला है, ये कोई अलग कार्ड है जो आप बना रहे हैं? क्योंकि बहुत से सवाल, बहुत सी जिज्ञासाएं और बहुत सी आशंकाएं आपकी ये न्यू यूआईडी कार्ड स्कीम के माध्यम से निकली हैं, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर विस्थापितों के बारे में। गृह मंत्री जी पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मैं 5 साल तक कमेटी ऑन होम अफेयर्स की अध्यक्षा रही और 5 वर्ष तक मैंने इन अनुदान मांगों का निरीक्षण किया है। लेकिन मुझे दुख होता था कि हर बार एक मद होती थी, रिहैबिलिटेशन ऑफ जेएनके माइग्रेंट्स, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का पुनर्वास, और हर बार वो पैसा सरेंडर होता था, आधे से ज्यादा, बहुत कम पैसा उसमें खर्च होता था। और हर बार मैं अधिकारियों से प्रश्न करती थी ये पैसा सरेंडर क्यों हो रहा है, तो जवाब आता था कि राज्य सरकार को योजना बनाकर भेजनी होती है, राज्य सरकार ने योजना बनाकर भेजी नहीं, इसलिए ये पैसा खत्म हो गया, इसलिए पैसा सरेंडर हो गया। जब ये 2-3 बार हो गया 2-3 वर्ष तक, तो मुझे लगा ऐसे नहीं चलेगा, मैंने इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए एक उप समिति बनाई, सब कमेटी, और उस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है गृह मंत्री जी। मेरे पास समय का अभाव है वरना मैं वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाती और उस पर यहाँ चर्चा करती, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप उस रिपोर्ट को मंगाकर देखिए, उसमें सुझाव दिए गए हैं, बहुत शोध किया है उस कमेटी ने, अध्ययन किया है, और ये पैसा जो सरेंडर होता है, एक तो बेचारे पहले ही उजड़ पुजड़ के अपने घरों से बाहर आ गए, कैंपों में रह रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत राशि केंद्र की तरफ से उनके पुनर्वास के लिए, राहत के लिए दी जाती है, वो भी सरेंडर हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार को योजना बनाकर नहीं भेज रही। इसलिए आप उन सुझावों को देखिए और उन सुझावों पर अमल करते हुए आप उन जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए कुछ करने का काम करिए। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने और भी 5 कमेटियां बनाई थी, एक बनाई थी जेल सुधारों पर, प्रिजन रिफॉर्म्स पर, नवीन जिंदल जो इसी लोकसभा के सदस्य हैं वो उसके अध्यक्ष थे, एक बनाई थी बॉर्डर मैनेजमेंट पर, जो पुराने सदस्य थे सपा के मोहन सिंह जी वो उसके अध्यक्ष थे, एक बनाई थी सुनामी पर जिसके अध्यक्ष आज के
मंत्री संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी नारायण गोपाल स्वामी थे। ये कमेटियां हम लोगों ने बनाई थी और एक कमेटी सिविल डिफेंस पर भी बनाई थी। एक सुनामी को छोड़कर जिसकी रिपोर्ट पीएसी दे चुकी थी, हमको लगा कि जिस पर एक और कमेटी की रिपोर्ट आ गई हम रिपोर्ट ना दें, बाकी सबकी रिपोर्ट हम लोगों ने दी है। और मैं चाहूंगी कि बहुत काम बहुत परिश्रम हुआ है उस पर, बहुत शोध बहुत अध्ययन हुआ है उन रिपोर्टों पर, आप उन रिपोर्टों को मंगाइए, आपको लाभ होगा उससे। सिविल डिफेंस की जो हमारी अनुशंसाएं हैं, जे एंड के माइग्रेंट्स पर जो हमारी अनुशंसाएं हैं, बॉर्डर फेंसिंग पर जो हमारी अनुशंसाएं हैं, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग पर काम बहुत कम हुआ है और बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस है। मैं आपका आउटकम बजट देख रही थी, बहुत निराशा हुई उसमें वो काम को देख करके। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इन कमेटियों पर, एक एक कमेटी की अनुशंसा पर अलग अलग चर्चा हो सकती है यहाँ, लेकिन समय अभाव के कारण चर्चा नहीं करना चाहूंगी। और आपसे चाहूंगी कि आप उन रिपोर्टों को मंगाकर पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसका लाभ उठाइए। लेकिन मैं एक बात बुनियादी आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे सदन में विकास के ऊपर बहुत चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो गरीबी दूर कैसे होगी? लेकिन गृह मंत्री जी एक बात मान लीजिए कि सुरक्षा विकास की पूर्व शर्त होती है। अगर देश सुरक्षित ही नहीं होगा तो बाहर से भी पैसा नहीं आएगा और यहां का उद्यमी भी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उद्यमी को सबसे पहले जान की रक्षा चाहिए। आज पूर्वोत्तर का विकास केवल इसलिए बाधित है, हमारे सारे इंसेंटिव, हमारे सारे कंसेशन की घोषणाएं बेमानी होकर रह जाती है, क्योंकि वहां हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते। और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान करने की जिम्मेदारी चिदंबरम जी आप पर आई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जितना खर्च हम करें वो विकास की ही दिशा में जाएगा। अगर हमने सुरक्षा का वातावरण यहां पैदा कर दिया तो विकास स्वयं होगा। भारत का नागरिक इतना उद्यमी है कि उसे आपकी योजनाओं की भी आवश्यकता नहीं, वो स्वयं उद्यम करके देश का विकास करेगा। लेकिन मैं कैसे, मन मेरा तैयार नहीं होता इस बात को मानने के लिए कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध हैं। अभी यहां संसद पर हमले की बात आई, अरे अगर संसद पर हमले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी आप उस निर्णय पर अमल, आप उस निर्णय पर अमल नहीं करते, यदि उन राज्यों के द्वारा जो राज्य अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को कड़ा करना चाहते हैं, गुजकों का रकों का, उनको आप कड़ा करने की अनुमति नहीं देते, अगर पाकिस्तान से समग्र वार्ता करते समय आतंकवाद को जोड़ने की आप जरूरत महसूस नहीं करते, तो मैं कैसे मानूं कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं? सच्चाई तो यह है सभापति जी कि राष्ट्रपति अभिभाषण ने जो उम्मीदें बढ़ाई थी इस बजट में और धनराशियों के प्रावधान ने, उनको धराशायी कर दिया है। और मैं कहना चाहूंगी कि ये अनुदान की मांगे जो गृह मंत्रालय की मेरे सामने आई है, ये अनुदान की मांगे सरकार की नीयत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी।